परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है। हालेलुया। आज मैं आपको कुछ ऐसी बातों से अवगत कराऊंगा, कुछ ऐसी बातों से आपको मिलवाऊंगा जिसे आप समझते नहीं हैं। जानते तो हैं लेकिन आप समझते नहीं हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में जो वो शक्ति है, उसका नाम जो अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा है हमारे लिए, हालेलुया, वो नाम कोई मामूली नहीं है, यीशु मसीहा। जब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम क्या कहते हो, तुम क्या समझते हो कि मैं कौन हूं, तब पतरस ने कहा कि तू परमेश्वर का अभिषेक है। प्रेज़ द लॉर्ड। तू परमेश्वर का अभिषेक है, वो परमेश्वर का अभिषेक है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि बाइबल में यीशु की महिमा, यीशु के सामर्थ्य के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। होता क्या है कि हम यीशु को जानने की कोशिश नहीं करते, हम शैतान के कामों को जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे पिता से मिलवाऊंगा जिसका पुत्र दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है। उसका पुत्र दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त है और वो सब जानता है कि मेरे पुत्र को क्या क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि इस समस्या का समाधान कौन कर सकता है। प्रेज द लॉर्ड। वो समस्या जो शैतान ने पैदा की है, देखिए परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत आशीषों की बारिश की है। परमेश्वर ने आपको अपने समानता, अपने स्वरूप में नचा है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप और मैं किसी समस्या का सामना करें। परमेश्वर नहीं चाहता है कि मैं किसी परीक्षा में पढ़ूं। परमेश्वर नहीं चाहता है कि उसका बच्चा दुख उठाए। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अज्ञानता की वजह से आप दुख उठाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ नहीं पाते कि क्या हो रहा है। अगर आपके पास ज्ञान होगा तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आज हमारे इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम या इन्वर्टर की प्रॉब्लम है, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमें उसका ज्ञान नहीं है। अभी इंजीनियर्स आए हैं, वो देखेंगे क्या प्रॉब्लम है और इसी समय ठीक हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ज्ञान का होना बहुत जरूरी है आपके लिए। आप जो कर रहे हैं उसका ज्ञान का होना जरूरी है। आप जो जीवन जी रहे हैं वो कौन सा जीवन है, आप जो जीवन जी रहे हैं वो क्या है। कई भाई बहनों को तो पता ही नहीं कि आपका जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य नहीं पता है। हालेलुया। हमें करना क्या है, हमें करना क्या है। आप सिर्फ दो रोटी दो सब्जी को अपने जीवन का उद्देश्य समझते हैं। ये कितने दुख की बात है कि इस बहुमूल्य जीवन को जिसे परमेश्वर ने हमें दिया है, वो हम कुछ चंद भौतिक चीजों के लिए ही अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि हमारा जीवन बस यही है, हमें सुबह भी रोटी मिल जाए, शाम को भी रोटी मिल जाए, रात को मिल जाए, बस हम बहुत खुश हैं। ये नहीं है, ये जीवन की असलियत नहीं है। यीशु जो जीवन लेकर आया वो जीवन क्या है, वो जीवन उस सुख के लिए है जो स्वर्गीय है। देखिए यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेविकाई में आपको जमीनी भौतिक चीजों के बारे में नहीं बताया। यीशु मसीह ने 3.5 साल की सेविकाई में आपको स्वर्गीय सुख के बारे में बताया है कि आपको कैसा धरती पर रहना है ताकि आपको स्वर्गीय सुख मिले। यीशु मसीह ज्यादा इंटरेस्टेड है कि आप स्वर्गीय सुख पाएं, जमीनी सुख में वो इंटरेस्टेड नहीं है। वो नहीं कहता है जमीनी सुख के लिए प्रार्थना करिए आप, लेकिन हम शैतान के चंगुल में हमारी बुद्धि इस तरीके से भ्रष्ट हो गई है, हमारी बुद्धि इस तरीके से रुक गई है समझ हमारी,
ताकि हम अपने जो चीजें दिख रही हैं उसी को अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेते हैं। जो चीजें दिख रही हैं हम उसी को असलियत समझ लेते हैं, हम उसी में जीना चाहते हैं, वही हमारे जीवन का उद्देश्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ऐसा नहीं है। यीशु ने जो हमको जीवन दिया है वो अनंत काल का है। यस, यीशु जो जीवन स्वर्ग से लेकर आया है वो अद्भुत है। हम उसको समझते नहीं है। जिस दिन हम उस जीवन को समझने लगेंगे, जिस दिन हम परमेश्वर की योजनाओं को समझने लगेंगे, जिस दिन हम उसकी वाचा को समझने लगेंगे, हमारा सोच विचार बदल जाएगा, हमारा जीने का तरीका ही बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं यहां पर आपकी मुलाकात कराता हूं, मरकुस 9:17 से हम पढ़ेंगे। अभी अभी यीशु मसीह रूपांतरण के पहाड़ से उतर कर आया। अगर आप 17 से पहले 9 के पहले अध्याय में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो यीशु मसीह है उसका पर्वत पर रूपांतरण हुआ, जहां पर उससे मिलने के लिए मूसा और एलिया आए, और जहां यीशु मसीह के साथ 3 चेले थे, यूहन्ना, याकूब और पतरस। और जब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, एक महिमा उनके चेहरे पर, ऐसा तेज था, एक ऐसी लालिमा थी, उनके वस्त्र इतने श्वेत हो गए थे कि आप देख नहीं सकते थे, तब पतरस ने यीशु मसीह से कहा कि धन्यवाद प्रभु, मैं यहां पर हूं। अच्छा है कि हम यहां पर इस पर्वत पर 3 तंबू बनाए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए और एक तेरे लिए। उसी समय एक बादल उठा जिसमें परमेश्वर था, और वहां से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है यीशु, सिर्फ इसकी सुनो, सिर्फ इसकी सुनो और किसी की मत सुनो। धरती पर किसी और को आज्ञा नहीं है कि उसके द्वारा कोई काम हो। धरती पर सिर्फ और सिर्फ एक नाम दिया है परमेश्वर ने, और वो है यीशु मसीह, जिसके द्वारा हम हर चीज पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम मोक्ष पा सकते हैं, हम उद्धार पा सकते हैं, उस मसीह के द्वारा। इसलिए जो जिसने उसको धारण किया, जिसने उसको स्वीकारा, जो उसका बन गया, प्रेज द लॉर्ड, वो परमेश्वर से मिलता है। यहां एक बेटा, यहां एक पिता है जिसका पुत्र जो है वो एक दुष्टात्मा से ग्रसित है, उसको बीमारी है जिसमें से झाग निकलता है। क्या बीमारी का नाम होता है वो पता है? जिसमें से झाग निकलता है आदमी को, मिर्गी की बीमारी। इस इंग्लिश में कहते हैं एपिलेप्सी, मिर्गी की बीमारी है उसको। और उसका बाप बहुत परेशान है, और उसका बाप देखिए यीशु से क्या कहता है। देखिए उस बाप के लिए, उस बाप के पास यीशु है लेकिन वो समझ नहीं रहा यीशु है। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी उसके पास है, सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु उसके पास है, लेकिन वो समझ नहीं रहा है। आज यही स्थिति हम सब की है। आप नहीं जानते आप चर्च आए हैं, आप नहीं जानते कि आप यीशु मसीह का नाम ले रहे हैं, लेकिन आप कैसे ले रहे हैं? अगर आपका विश्वास नहीं है, अगर आपका समर्पण नहीं है, तो यीशु का नाम आपके जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। यीशु का नाम है, लेकिन आप अगर समर्पित मन से, विश्वासी मन से अगर आप उसको नहीं लेंगे, तो वो नाम आपके जीवन में काम नहीं कर पाएगा। इसलिए
उस नाम की कीमत को जानना जरूरी है। वो नाम क्या है? प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए बेटा मरकुस 9:17। भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गुंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था, जहाँ कहीं वो उसे पकड़ती है वही पटक देती है, और वो मुंह में फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेले से कहा कि वे उसे निकाल दे, परंतु वे निकाल न सके। ये सुनकर उसने उनसे उत्तर देख के कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वो भूमि पर गिरा और मुंह में फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। आमेन, आमेन, आमेन। क्या कहता है पिता? कि मैं तेरे चेलों के पास अपने बेटे को लेकर आया, वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो बता। यीशु मसीह क्या कहते हैं कि यदि तू कुछ कर सकता है, तू मुझसे पूछ रहा है कि यदि तू कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि यीशु कर सकता है, यीशु कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। आप इस धरती पर आए हैं, आप इस कलीसिया में आते हैं, और आप पूछते हैं कि साहब यदि यीशु कर सकता है, क्या यीशु मसीह ये ठीक करेगा, क्या यीशु मसीह वो ठीक करेगा, क्या यीशु मसीह मेरी बीमारियों को ठीक करेगा? यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने अपने होठों से, अपने वचनों से पूरी सृष्टि की रचना कर दी। यदि तू कर सकता है, हम कभी भी अपने अंदर संदेह ना लाएं। जब हम चर्च में आते हैं तो कोई संदेह ना लाएं, जब हम यीशु मसीह में आते हैं कोई संदेह ना लाएं। अगर आप ठीक नहीं हो रहे ना मेरी बहन, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अगर आप चंगे नहीं हो रहे हैं, अगर आपकी माली स्थिति सही नहीं हो रही है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है, क्योंकि आप विश्वास से नहीं अविश्वास से आ रहे हैं, आप संदेह कर रहे हैं, आप संदेह कर रहे हैं। मेरे यीशु का नाम सामर्थी है, सामर्थी। जिस दिन आप विश्वास के संग उसका नाम लेंगे ना, जिस दिन आप विश्वास से उसको पुकारेंगे, मैं आपको चैलेंज करता हूं, अद्भुत आशीषों की बारिश आपके जीवन में होगी। आपको उसका नाम लेना नहीं आता है, मैं सच कह रहा हूं। तरस आता है मुझे आप लोगों के ऊपर कि आप चिंता से ग्रस्त हैं, रोज आप चिंतित हैं कि क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरी बच्ची का, क्या होगा मेरे धंधे का, क्या होगा मेरी बीमारी का। क्यों? क्योंकि आपको यीशु मसीह के पास आना नहीं आता है। आपको यीशु मसीह को लेना नहीं आता है, उसका बनना नहीं आता है आपको। यदि तू कुछ कर सकता है,
यीशु मसीह ने क्या कहा? जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। वो क्या कहता है? पिता कि मैं विश्वास करता हूं, मेरे अविश्वास का उपचार कर। आपके अविश्वास का उपचार क्या है? जब तक आप उस सत्य को अपने साथ बांध कर नहीं चलेंगे, आपका उपचार नहीं होगा। अगर इस 17-18 में देखूं, मैं आपको बताइए कि वो जो पिता था वो ये जानता था कि उसकी बीमारी क्यों आई है। देखिए वो डिटेल में बता रहा है कि मेरा बेटा कैसे आता है। देखिए मैं आपके लिए दोबारा पढ़ता हूं। भीड़ में से एक ने उत्तर दिया कि हे गुरु, मैं तेरे पास अपने पुत्र को लाया हूं जिसमें ऐसी आत्मा समाई है जो उसे गूंगा बना देती है। यानी कि पिता को पता है कि उसमें ऐसी दुष्टात्मा है। ये काम करना कैसा, ये काम किसने किया है? दुष्टात्मा ने किया है जिसने उसको गूंगा बना दिया है। देखिए पिता जानता है कि दुष्टात्माएं हैं, पिता जानता है कि शैतान है। हेलो, दुख की बात क्या है? देखिए दोबारा क्या कहता है, ऐसी आत्मा समाई है जो गूंगा बनाती है और जब कभी वो उसे पकड़ती है तो भूमि पर पटक देती है और वो मुंह में फेन भर लाता है और दांत पीसता हुआ ऐंठ जाता है। उसे पता है कि क्या हो रहा है। वो शैतान को जानता है, वो शैतान के कामों को जानता है। वो जानता है कौन सी दुष्टात्मा उसको गूंगा बनाती है, कौन सी दुष्टात्मा है जो उसे पटक देती है, उसके मुंह में झाग आ जाता है। वो सब कुछ जानता है लेकिन वो ये नहीं जानता है कि यीशु मसीह है जिसके नाम से शैतान भागता है। यीशु मसीह है जिसके नाम से चंगाइयां होती हैं। यीशु मसीह है वो नाम जो हर नाम से ऊंचा है। यीशु मसीह है। प्रेज द लॉर्ड। हम जब बीमार होते हैं ना और डॉक्टर कहता है कि साहब आपको जुकाम हो गया है, आपको लकवा हो गया है, क्योंकि आप टेंशन ज्यादा लेते हैं। आपको लकवा हो गया है, आप टेंशन ज्यादा लेते हैं। आपको डायबिटीज हो गई है, आप मीठा ज्यादा खाते हैं। आपको ब्लड प्रेशर हो गया है, आप नमक ज्यादा खाते हैं और आप नमक खाना बंद कर देते हैं। आप मीठा खाना बंद कर देते हैं ताकि डायबिटीज निकल जाए। आप टेंशन लेना बंद कर देते हैं ताकि लकवे की बीमारी से दूर हो जाए। लेकिन आपको पता है ये बीमारियां क्यों आती हैं? आपके अंदर आपकी बीमारियां पाप लेकर आता है। आप बीमार क्यों होते हैं? प्रेज द लॉर्ड। बीमार क्यों होते हैं? मती 9:2-8 के बीच में अगर हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि आप बीमार क्यों होते हैं। एक लकवे का रोगी जब यीशु मसीह पतरस के घर में प्रचार कर रहा था तो बैठने की जगह नहीं थी। वहां पर 4 आदमी एक खटिया में उठाकर एक लकवे के रोगी को लेकर आ रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उसे यीशु मसीह से मिलने की जगह नहीं मिली तो उसने छत तोड़ दी। उस समय जो छत हुआ करती थी खपड़ैल की हुआ करती थी, झोपड़ी टाइप खपड़ैल होता है ना, पक्का सीमेंटेड छत नहीं होती थी। उस छत को तोड़कर वो नीचे आया और जैसे वो नीचे आया तो यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर कहा कि तेरे पाप क्षमा हुए, तेरे पाप क्षमा हुए। वहां जो फारिसी बैठे हुए थे अचंभित हो गए कि ये आदमी किसी के पापों को क्यों से आपका क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह ने कहा कि क्या आसान है उससे मैं ये कहूं कि अपनी झोली उठा, अपने बिस्तर को उठा और चल फिर, या मैं ये कहूं कि उसके पाप क्षमा हो गए। प्रेज द लॉर्ड। क्या अच्छा है? यानी कि प्रभु क्या बताना चाहता है? उसके अंदर जो पाप आया है, उसके अंदर जो लकवा आया है, उसके अंदर जो बीमारी है, ये किसकी वजह है? पाप की वजह है, पाप की वजह है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें अगर अपने अंदर की बीमारियों को निकालना है तो अपने पाप को दूर करना है, अपने आप को शुद्ध करना है। इसलिए वो अंत में क्या कहता है, इसका
अगर निकालेंगे आप आठवां क्या कहता है, देखिए नौ का आठवां मती नौ का आठवां, लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। जिसने, हेलो मेरे पीछे बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर कि आपने मनुष्य को पाप को निकालने का अधिकार दिया है। आमेन। आप जानते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा आपको क्या मिला है, आप पापों को निकाल सकते हैं। लेकिन कब निकाल सकते हैं, जब आप पवित्र होंगे। अगर आप में ही पाए पाप है तो आप नहीं निकाल सकते। प्रेज द लॉर्ड। मनुष्य को पृथ्वी पर परमेश्वर ने पाप निकालने के लिए वो अधिकार दिया है। सोचिए आप कौन है उसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का बनकर रहिए, उस सत्य को थाम के रखिए, वो जो है यीशु। आपको पता है नोह जिसने जहाज बनाया था, और परमेश्वर ने कहा था जब नोह था कि मैं इस मनुष्य जाति से परेशान हो गया हूं और मैं इसको नष्ट करने पर हूं, तो अपने लिए गोपेर लकड़ी का जहाज बना, मैं तुझे और तेरे परिवार को बचाऊंगा, बाकी सबको नष्ट कर दूंगा जल प्रलय से। किससे? बोले किससे? जल प्रलय से मैं सबको नष्ट कर दूंगा। कितने साल नूह ने जहाज बनाया? 120 साल। 120 साल तक उसके पास क्या वचन था, कैसे वो जहाज बना सका, क्योंकि जहाज जहां वो बना रहा था वहां पानी नहीं था, उस समय तक बारिश नहीं हुई थी, उस समय तक पानी नहीं था। ये बारिश अब हुई है, उस समय बारिश नहीं हुआ करती थी। तो लोग नूह का मजाक उड़ा रहे थे कि अबे तुझे परमेश्वर ने कहा है कि जहाज बनाएगा और हमको जल प्रलय से डूबे देगा, तो जल है कहां और तू जहाज चलाएगा कहां पर, जल कहां है और तू जहाज बनाएगा कहां पर, चलाएगा कहां पर। नूह ने उस सत्य को थाम के रखा था कि मेरे यहोवा ने कहा है मन फिराओ नहीं तो जल प्रलय से खत्म हो जाओगे। उसने एक सत्य को थाम के रखा 120 साल तक। उसके पास एक सत्य था, मन फिराओ नहीं तो परमेश्वर जल प्रलय से खत्म कर देगा। आज का सत्य क्या है? मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर आ रहा है आपको लेने के लिए। अभी तक आपने किसी भी आदमी को उड़ते हुए नहीं देखा ना, उड़ते हुए। बाइबल कहती है कि जो विश्वास करेगा, मन फिराएगा, यीशु उसे लेने आ रहा है। यीशु लेने आ रहा है और आप देखेंगे, क्योंकि उस समय लोगों ने भरोसा नहीं किया और सब जल प्रलय में मर गए। आज लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं कि अरे क्या बाइबल कहती है, कोई आदमी भी उड़ सकता है, एक गेंद उछालो तो नीचे आती है, कुछ भी उछालो तो नीचे आता है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो परमेश्वर है, उसके मुख से निकला हर वचन सत्य है। जो उसने कहा है वो होगा, ये याद रख लीजिए। बाइबल में जो लिखा है वो होगा, अपने मस्तिष्क में बैसा लीजिए इसको।
खिलवाड़ मत करिए बाइबल से आप। खिलवाड़ मत करिए, मत सोचिए कि अरे ऐसा कैसे होगा। नहीं, यीशु ने कहा है कि मैं जा रहा हूं और तुम्हारे लिए कमरे बना रहा हूं और आऊंगा तुम्हें लेने के लिए। हमें उसको, हमें उसके लिए अपने आप को तैयार रखना है कि मेरा यीशु आएगा। कौन आपको जिंदा रखेगा? यह वचन। आपकी परीक्षाओं में कौन आपको जीत दिलवाएगा? यह वचन। आपकी विपत्तियों में आपको कौन जीत दिलवाएगा? यह वचन। आपकी बीमारियों से आपको कौन निकालेगा? यह वचन कि यीशु आ रहा है आपको लेने के लिए। हमें अपने उस आशा को नहीं छोड़ना है। उस सत्य को अपने अंदर बसा के रखिए, उस सत्य को थाम लीजिए। मेरी बहन, मेरे भाई, अगर इस सत्य को आपने थाम के रखा, एक दिन आप जरूर देखेंगे स्वर्ग। मत समझिए कि नरक और स्वर्ग यहीं पर है। नहीं, स्वर्ग बनाया गया है। यीशु मसीह ने बार बार कहा है, अगर तुम सही चीज जीवन में सही चाल नहीं चलोगे, आग की भट्टी में जलोगे, नरक जाओगे। आज आपकी उम्र क्या है? 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 साल? उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? आप क्या समझते हैं कि यहां मर गए तो नरक में क्या हो रहा है आपको पता नहीं लगेगा? आपको पता लगेगा। आप नरक में जाएंगे और आपको ये जिंदगी याद आएगी कि किस तरीके से आपने अपने पड़ोसी का, किस तरीके से आपने पत्नी का, किस तरीके से आपने पति का आपने शोषण किया था, आपने झूठ बोला था, आपने हत्या की थी। आपको पता चलेगा उस समय, आप पता चलेगा। अगर आपको याद है लाजर और उस अमीर आदमी की कहानी, वो नरक में एक एक पानी की बूंद के लिए तड़प रहा था और उसने कहा इब्राहिम से कि किसी को भेज ताकि मेरे भाई समझ जाएं। उसको याद था कि मैं लाजर कोड़ी को टुकड़े दिया करता था। उसको याद था अपना जीवन नरक में। यह मत समझिए कि आप भूल जाएंगे, आपको याद आएगा। उस आग की भट्टी में आप जलेंगे। अगर आज आपने अपने आप को नहीं पहचाना, अगर आज आपने अपने आप को उस सत्य से नहीं मिलवाया, इस सत्य को थामना हमारे हाथ में है। परमेश्वर ने हमें सत्य दे दिया है, जिस तरीके से नोहा ने थामा हुआ था 120 साल तक। उसके बहुत दोस्त आए होंगे, बहुत रिश्तेदार आए होंगे, हंसते होंगे लोग, क्या भाई नोहा तू क्या कर रहा है? आज आपसे पूछते होंगे कि क्या कर रहा है, चर्च जा रहा है, क्या है चर्च में, क्या है चर्च में, प्रॉब्लम में तू है, तेरे घर में ये प्रॉब्लम है, तेरे बाहर भी तेरी प्रॉब्लम है, तू चर्च जा रहा है, क्या हो रहा है? उनको नहीं पता है कि यीशु मसीह चर्च को लेने के लिए आ रहा है। जो कलीसिया से जुड़ा रहेगा परमेश्वर उसी को लेकर जाएगा, क्योंकि कलीसिया उसकी देह है। कलीसिया, चर्च इज ए बॉडी ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया उसकी देह है। जो उस कलीसिया से कैसे जुड़ा रहेगा वो ही जाएगा। यूहन्ना 15:4-5 पढ़िए। यूहन्ना 15:4-5, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमेन, आमेन। साफ साफ बोल रहा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। क्या चाहता है परमेश्वर?
क्यों यीशु मसीह को धरती पर भेजा? ताकि हम उसमें बने रहें, बने रहें। आमीन। मैं तुझ में बना रहा हूं, तू मुझ में बना रहे। प्रभु की क्या इच्छा है? कि तुम मुझ में बने रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, ध्यान से समझिए इस चीज को। तुम मेरे पास रहो नहीं कहा उसने। हम लोग चर्च आकर समझते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। हम 15 मिनट प्रार्थना करके समझते हैं कि हम परमेश्वर में हैं। हम दान दशान देके समझते हैं कि परमेश्वर में हैं। बाइबल क्या कहती है? बाइबल ये नहीं कहता कि तुम मेरे पास रहो, तुम मुझे देखो। वो कहता है तुम मुझ में बने रहो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में। आगे, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। आप देखिए, वो एग्जांपल दे रहा है दाखलता और डाली का, एक पेड़ का और डाली का संबंध। आप देखते हैं डाली के ऊपर फल आते हैं, क्या डाली अपने आप ला सकती है फल? जब वो उस पेड़ के संग बनी है, पेड़ जड़ के साथ, यानी कि डाली में कुव्वत, डाली में सामर्थ, फलवंत का सामर्थ कौन दे रहा है? जड़। अगर आप जड़ के साथ हैं तो ही आपके अंदर सामर्थ आ रहा है ताकि आप फल लेकर आए। तो आपको एग्जाम्पल दे रहा है कि जिस तरीके से दाखलता, आप पेड़ के संग बने रहेंगे तब आप फल लेकर आते हैं। आगे बढ़िए बेटा। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। नहीं फल सकते, हो ही नहीं सकता। अगर आप डाली को काट दें, मुरझा जाएगी, उसका कोई उपयोग नहीं है। उपयोग है? प्रेज़ द लॉर्ड। उसी तरीके से हम अगर यीशु के संग बने नहीं रहे, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, यीशु मसीह के साथ रहना, उसको देखना, चर्च आना ही जरूरी नहीं है, बहुत काफी नहीं है, उसमें बने रहना है हमें। उसमें बने रहने के लिए उसका स्वभाव हम में आना चाहिए, उसके स्वभाव के अनुसार हमें चलना चाहिए। कोई गलत विचार भी हमें दूर कर देगा। हमें स्वार्थ अपने से दूर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें बने रहना है। अगर डाली दाखलता में नहीं बनी रहेगी तो वो फलवंत नहीं हो सकती। 5वां पढ़ो बेटा। मैं दाखलता हूं, तुम डालिया हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते। इंसान सोचता कि मेरा धंधा बढ़ गया, अभी अब बस धंधा है, पैसा आ रहा है, अब मुझे प्रभु की क्या जरूरत है, अब चर्च की क्या जरूरत है। आप कुछ भी नहीं है, आप नहीं जानते। यीशु में बने रहने का मतलब क्या है? आप अपने कल को नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर आपके कल को जानता है। वो जानता है कि आपके संग क्या होने वाला है। वो जानता है कि कौन सी दुष्ट आत्मा ने आपको पकड़ा हुआ है। वो क्या जानता है कि आप किन श्रापों में बंधे हुए हैं। इसलिए वो आपको निकालना चाहता है, और आप तभी निकल सकते हैं जब आप उसमें बने रहेंगे। अगर आप नहीं बनेंगे तो आप नहीं आशीष पाएंगे, कुछ नहीं पाएंगे। वो कहता है, लास्ट में वचन पढ़ो दोबारा बेटा, 5 का अंतिम वचन। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। इसलिए हम प्रभु से अलग होने की सोचे भी ना। आप कैसे अलग हो जाते हैं? आप यीशु को जानकर भी कैसे अलग हो जाते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे अलग हो जाते हैं? अपने स्वभाव से। आपके अंदर स्वार्थ का स्वभाव आता है, लालच का स्वभाव आता है, और वो आपको अलग कर देता है।
अपने आप, अगर आप में घमंड आया, आप में लालच आया, आप अपने आप अलग हो गए, आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसे? जब आपके अंदर प्रभु का स्वभाव नहीं होगा ना मेरी बहन, अगर आपके अंदर अंधकार आ गया तो ज्योति अपने आप आपसे अलग हो जाएगी, अपने आप। आपके अंदर अंधकार है, ज्योति वहां नहीं रहेगी। इसलिए बाइबल कहता है कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जो आपके लिए एक छाप के रूप में, उसको शोकित मत करो। इफिसियों 2, इफिसियों 4 का 30 और 31 में क्या लिखा हुआ है? पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा आपके अंदर प्रभु का स्वभाव लेकर आ रही है, आपके अंदर प्रभु का स्वभाव बढ़ा रही है। इसलिए इफिसियों 4 का 30 पढ़िए बेटा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कला और निंदा, सब बैर भाव समेत तुम से दूर की जाए। आमेन, आमेन। सब प्रकार की कड़वाहट, सब प्रकार की कड़वाहट, आप समझते हैं? कभी कभी हम मजाक में भी किसी को दुख दे देते हैं। हमारी जो जबान है ना, हमारी जीव, 18:21 में नीति वचन में लिखा हुआ है, हमारी जीव मृत्यु और जीवन दोनों पैदा करती है। कुछ लोग बहुत अच्छे प्रभु में हैं, वचन को जानते हैं, वचन को समझते भी हैं, लेकिन उन्हें अपनी जबान पर कंट्रोल नहीं है, वो कुछ भी बोल देते हैं, किसी के सामने भी बोल देते हैं, और उनको नहीं पता उसका नुकसान क्या होता है। आपने सोचा नहीं मैं क्यों बोल रही हूं, ये मेरे बोलने से क्या होगा? यीशु मसीह ने कुछ भी ऐसा नहीं बोला। इसलिए मत्ती 5 में स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि उसने मुंह खोल कर बोला। हमें बहुत सोच समझ कर बोलना है, हम क्या बोल रहे हैं, हमारे बोलने पर हमारा आशीष निर्भर करता है, आपके बोलने पर। आप बहुत अच्छे मसीह होंगे, आप बाइबल को पूरा ज्ञान होगा, लेकिन अगर आपके मुंह पर, अपनी जबान पर आपका अंकुश नहीं है, तो आप अपनी आशीषों को खो देंगे, और बहुत से लोग खो रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। पवित्र आत्मा कैसे शोकित होती है आपको पता है? पवित्र आत्मा आपके मंदिर में बैठी है, जब भी कोई गलत विचार, जब भी कोई गलत भावना, जब भी कुछ गलत चीज बाहर जा रही है, आ जा रही है, वो सबका आधार है। आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? आप अपनी पत्नी को गालियां दे रहे हैं, आप अपने पति को बुरा भला कह रहे हैं, आपके अंदर आत्मा है, परमेश्वर की आत्मा है। दूसरों को मत देखिए कि वो भी करता है, ये भी करता है, मेरा अगवा भी करता है, नहीं, अपना देखिए आप। जब यीशु मसीह लेने के लिए आएगा तो आपको अकेले जाना है। आप ये नहीं कह सकते कि प्रभु मेरा बेटा रह गया, मेरी पत्नी रह गई, मेरा पति रह गया, नहीं। अगर आप में पवित्र आत्मा की छाप है, आप चले जाएंगे। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है कि दो औरतें चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी, एक रह जाएगी। दो आदमी सो रहे होंगे एक ही खाट पर, अब दो आदमी जो सो रहे होंगे, बाप बेटा भी हो सकते हैं,
मैन खुद दूर के तो आदमी नहीं होंगे ना, एक ही परिवार के होंगे ना, तो यानी कि जरूरी नहीं कि आपका पूरा परिवार जाए, हो सकता है आपके परिवार में सिर्फ आप ही को चुना है। इसलिए अपने आप को संभालिए, कहीं आपका परिवार आपको ना ले डूबे। इसलिए पवित्र आत्मा को शोकित मत करिए, गलत बात अपने मुंह से मत निकालिए, बहुत सोचिए, प्रार्थना करिए, घुटने टेकिए कि प्रभु मेरे इस नेचर को मुझसे निकालिए कि मैं कभी भी कुछ भी बोल देती हूँ, कभी भी कुछ भी बोल देता हूँ। नहीं, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है। हमें सोचना है, समझना है बोलते समय। हम क्या कर रहे हैं और हम जो कर रहे हैं कौन करवा रहा है? प्रभु। नयोमी ने 10 साल तक ओरपा को और रूथ को सुसमाचार सुनाया, उसके दोनों बच्चे मर गए, उनकी दोनों बहुएं थीं, और जैसे ही बैतलम ठीक हो गया और उसे लगा कि अब जरूरत नहीं है, उसने कहा जाओ तुम लोग जाओ, अभी अपनी अपनी शादी कर लो। वो भूल गई कि वो आत्माएं हैं, वो अपने स्वार्थ में इतना थी कि अब मैं इनको कहां लेके जाऊंगी, कौन खिलाएगा मुझे और इनको, वो भूल गई। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, ये हमारा सबसे पहला देह होना चाहिए कि पवित्र आत्मा शोकित ना हो। अगर पवित्र आत्मा शोकित होता है तो परमेश्वर से आपका संबंध कमजोर होता है। संबंध उसकी आत्मा है आपके अंदर, एक अमानत के रूप में रखिए आप। जिस तरीके से मान लीजिए कोई आपके घर में आया है मेहमान, आप उसके लिए अपने जीवन के, अपने घर के वातावरण को बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं? कि नहीं यार देखो वो भैया आए हुए हैं, पास्टर आया हुआ, पास्टर हमारे घर पे आया हुआ, नहीं नहीं यार अभी चुप रहो। वो पवित्र आत्मा है, वो आपके अंदर है। कुछ भी गलत बोलने से पहले सोचिए कि कहीं पवित्र आत्मा को तो शोकित नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत जरूरी है। वो आत्मा आपको बनाने के लिए है। पवित्र आत्मा, परमेश्वर ने अपनी आत्मा क्यों दी है? ताकि वो आपके स्वरूप को बनाए, अपने अनुसार डाले, जैसा वो है वैसे आप हो जाएं। इसलिए उसने अपनी आत्मा आपको दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। तो यीशु को पहचानिए। हम दुनिया में सारी चीजों को पहचानने की कोशिश करते हैं, हम धंधा कैसे करते हैं उसको पहचानने की कोशिश करते हैं, जहां नौकरी करते हैं उसको सीखने की कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं भैया सीख लो, मुझे क्या काम करना है, आज मुझे ये काम करना है, यहाँ पर होटल का काम है, या मैं टीचर हूँ, या मैं बॉस हूँ, तो मुझे अपने सारे काम ठीक करने हैं, सोचने समझने हैं कि मुझे ये काम ऐसे करना है। भैया पैसे मिलता है यहाँ से, 20,000 मिलता है, 25,000 मिलता है, लेकिन प्रभु को समझने में आप देरी करते हैं। प्रभु के मन को समझिए कि प्रभु क्या चाहता है, वो क्या चाहता है कि हम कैसे जीवन जिए। आएंगे कष्ट, आएंगे आपके जीवन में, आप प्रभु जैसा जीवन जिएंगे आपको कष्ट होगा, लेकिन उस कष्ट में हमको भागना नहीं है, ये तो होना ही है। प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अपने स्वभाव को जो हमें मिला है प्रभु से उसको नहीं छोड़ना है। इसलिए बाइबल कहती है अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। अगर आपको प्रभु चाहिए तो आपको अपना क्रूस उठाना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान आपको डराएगा, हर बार डराएगा, जैसे कि ये लकवे का रोगी तो था,
मरकुस अगर हम देखेंगे 26 पढ़ो 26। तब वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकाल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया, यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वो मर गया। परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ा परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। आमीन। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस गूंगी बदरू को निकाल दिया, वो निकल गई, लेकिन उसने ऐसा प्रिटेंड किया जैसे मर गया है। और लोग क्या कह रहे थे कि मरा हुआ है। शैतान आपको डराने की कोशिश करेगा। मैं आपको सच बोल रहा हूं, आपने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना की है वो पूरी होगी। अगर आपका स्वभाव प्रभु का है, अगर आप समर्पित हैं, आपने यीशु मसीह से मांगा है वो मिलेगा ही मिलेगा। शैतान आपको डराएगा, आपके पड़ोसी के जरिए, आपके बॉस के जरिए। आप गए और आपका बॉस बोलता, नहीं भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं है, भाई तुम्हारा काम ठीक नहीं है तो तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। और आप कहेंगे, अरे क्या हो गया, मैं तो सुबह प्रार्थना करके आइए, ये क्या हो गया। मत डरिए, एक दरवाजा बंद होगा 50 दरवाजे परमेश्वर खोलेगा। आपने यीशु मसीह के नाम पर भरोसा किया है, आपका अच्छा होना ही है। मत डरिए अपनी नौकरी से, मत डरिए अपने धंधे से, ईमानदारी से अपना काम करिए। जहां भी करते काम, जो बॉस है कभी भी गलत मत करिए, उसके लिए प्रार्थना करिए, ईमानदारी से करिए, लेकिन प्रभु को पहला स्थान दीजिए। जिस दिन आपने प्रभु को पहला स्थान नहीं दिया, चाहे वो नौकरी आपको लाखों रुपए क्यों ना दे रही है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। इसलिए प्रभु को पहला स्थान दीजिए। ध्यान रखिए कि पवित्र आत्मा शोकित ना हो। ध्यान रखिए कि आपके मुंह से कौन से अल्फाज निकल रहे हैं। आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं, चाहे हंसी में चाहे मजाक में। किसी को आस मत दीजिए, आप मसीह हैं, किसी को आस नहीं, साहब मैं आपके लिए करूंगा। आप रुक जाओ दादा, एक महीने में मैं आपके लिए करूंगा। क्यों बोल रहे हैं आप? किसी के लिए कर सकते हैं करिए, नहीं कर सकते तो कहिए मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। मत किसी को झूठी आस दीजिए, नहीं कभी नहीं, बहुत बड़ा पाप है ये। हमें किसी को झूठी आस नहीं देनी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए उस यीशु को जानने में अपना मन लगाइए, उसके करीब आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, सारी तकलीफें, सारी बीमारियां, सारे कष्ट आपके जीवन से निकल जाएंगे। हालेलुया। आज का वचन आपको अच्छा लगा? प्रेज द लॉर्ड। लोगों को, आपको आशीष मिला? बोलिए आशीष मिला। जोर से बोलिए यीशु मसीह की। हाँ लड़िए, जोर से तालियां बजाइए पिता परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए। कोई बोलेगा हाले लोहिया, हाले लोहिया। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है।